कार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि यह ना मोदी की सरकार है, ना मोदी की गारंटी की सरकार है, यह गठबंधन की सरकार है। गठबंधन मोदी की फितरत में नहीं है और सरकार अपने ही बोझ तले दब जाएगी। भूपेश बघेल ने अजीत पवार और चंद्रबाबू नायडू का भी हवाला दिया, साथ ही जदयू के अग्निवीर योजना पर सवाल उठाने का भी जिक्र किया। भूपेश बघेल से खास बातचीत की INS संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है। सर कह रहे हैं कि रोड मैप जो है 100 दिन का तैयार, और जो पहली कलम पे साइन होते हुए नजर आए हैं किसान सम्मान निधि की जो किश्त है वो जो है जारी करते हुए नजर आए, किस तरीके से देखिए, ये जो सरकार है न मोदी की सरकार है न मोदी की गारंटी की सरकार है, ये सरकार गठबंधन की सरकार है। पहले एक फोटो लगता था, उनके मंत्रियों तक के फोटो नहीं लगते थे, केवल मोदी का फोटो रहता था और किसी का फोटो नहीं रहता था। अब इनको मजबूरी में नीतीश बाबू की फोटो लगानी पड़ेगी और नायडू साहब की भी फोटो लगाने पड़ेंगे, और जीतनराम मांझी की भी लगाना पड़ेगा, तो उसके बाद शिंदे की भी फोटो लगानी पड़ेगी और अजीत पवार की भी फोटो लगानी पड़ेगी। तो ये मोदी के फितरत के विपरीत है, उसके तासीर में ही नहीं है ये सब चीजें, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा और ये सरकार अपने ही बोझ तले ढह जाएगी। सर जिस तरीके के बयान भी आप आ चुके, कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार है, एनडीए के साथियों के देखने को मिलते हुए नजर आए, अग्निवीर योजना की बात करें या फिर अन्य मसलों पर बात की जाए, किस तरीके से आप पूरे इस जो है आप सरकार के गठन को देख रहे हैं, और चूंकि आपका बयान भी देखने को मिलता नजर आया था कि सरकार जो है ज्यादा लंबी चलती हुई नजर नहीं आएगी। अभी देखिए कि अजीत पवार गुट ने MOS लेने से मना कर दिया, अभी और बातें खुलेगी धीरे धीरे। दूसरी बात यह है कि त्यागी साहब ने जिस प्रकार से बात की अग्निवीर खत्म कर देना चाहिए, दूसरी तरफ नायडू साहब हैं वो हज जाने वालों के 1,00,000 रुपया दे रहे हैं, और भी जो अल्पसंख्यक है उसके लिए योजना बनाए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी RSS पानी पी पी के झर उगल रहे थे अल्पसंख्यकों के खिलाफ, अब NDA की गवर्नमेंट वो योजना चालू कर रही है, ये तो उनके एथिक्स के खिलाफ है। तो ये कितने दिन चल पाएगी देखने को मिलते हुए नजर आए हैं, पहले विधानसभा चुनाव की बात की जाए और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव उसकी बात की जाए, किस प्रकार से अब आगे की कार्यप्रणाली देखने को मिलती हुई नजर आएगी, समीक्षा किस प्रकार से देखने को मिलती है? भाई जनता का जो जनादेश है हम सबको स्वीकार है और हम लोग लड़े अच्छे से, वोट परसेंटेज भी करीब करीब समान ही रहा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हमको वोट परसेंट बढ़ाने की आवश्यकता है और उस क्षेत्रों में हमको काम करने की आवश्यकता है जहाँ हम कमजोर थे, तो हम लोगों को मिलजुल के काम करना होगा और जो जनता ने जो आदेश दिया है वो सिरोधार्य है। समीक्षा होगी सर? समीक्षा पार्टी तौर करेगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे INS न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ INS न्यूज दिल्ली।